वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। सॉरी आज लेट हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला आज। आ जाइए भाई फटाफट जल्दी, मैं लेट होती तुम लोग भी लेट होते हो। हाँ वेरी गुड इवनिंग ललिता, वेरी गुड इवनिंग भाई, फटाफट आ जाओ जल्दी से। बाकी सब कहाँ हैं? आज हम ऑलिगोपॉली के मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है? कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव, कार्टेट पढ़ लेंगे, और आपका एजवेट वाला, वेटरेड वाला, कॉन्नट मॉडल, ठीक है, किंग डिमांड कर्व, ये खत्म कर देंगे आज हम, ठीक है? फिर हमारा एक दो गेम थ्योरी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और साथ में आपका एक छोटे छोटे एक दो टॉपिक और है। मुझे लगता है जहाँ तक अगर हम कल क्लास लें, 2 घंटे अगर हम क्लास कल कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है अगर थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे तो शायद हमारा कल पूरा माइक्रो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और माइक्रो खत्म हो जाएगा कल 1 तारीख को, फिर हम उसके बाद अपना मैक्रो स्टार्ट कर देंगे फटाफट, ठीक है? कल अगर कल नहीं तो परसों तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा माइक्रो, है ना? देखो माइक्रो अच्छे से हो गई, दो दो बार माइक्रो हो तुम्हारी रिवीजन हो गई अच्छी। देखो मैंने शॉर्ट वे में समझा दिया, एक बार मैंने लॉन्ग वे में समझा दिया, ठीक है? अब वो आपके ऊपर है, आप उस तरीके से कैसे उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। भाई जल्दी आ जाओ फटाफट, सारे स्टूडेंट्स इतना टाइम लगाते हो यार, मैं लेट होती तुम भी लेट हो रहे हो। आज तो 8 से 9 क्लास भी नहीं थी, नहीं 8 बजे आज क्लास नहीं हुई थी, आज 8 बजे क्लास नहीं हुई थी आज। मुझे लग रहा है शायद बच्चे कभी आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बाद में अटेंडेंस लगाती हूँ, पहले स्टार्ट कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर 2 फैकल्टी ऑफ इकोनॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पहला फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन करिए, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू अपडेट होगी, वो आपको ईजिली मिल पाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, दोनों देखने को आपको मिल रहा है। नोट्स, PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, सब कहाँ मिल रहा है? ओनली ऑन आपको फिल अप फॉर्म पे मिल रहा है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज कोड अगर आप करते हैं आशीष10, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज, ठीक है? सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू सैटरडे एंड 10 to 11 PM, ठीक है? एंड संडे भी आपकी क्लासेस हो जाती है। सो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस आपको जल्दी रिकॉर्डिंग वीडियो देखने को मिलेगी सेम टाइमिंग पे 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे। सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज क्या करना है आपको, फिल अप फॉर्म को इंस्टॉल करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए नोट्स को डाउनलोड करने में, तो आप इस नंबर पे और इस वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो जिसने भी खुद को कर्ज किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। व्हेन ऑब्स्टेकल अराइज, योर चेंज योर डायरेक्शन टू रीच योर गोल, ठीक है? अगर आपके लिए ऑब्स्टेकल, कोई मुश्किलें खड़ी हो रही है, तो यू चेंज योर डायरेक्शन टू रीच योर गोल, डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है? डू बट यू डू नॉट चेंज योर डिसीजन टू गेट देयर, समझ गए? अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करना, बट रास्ते अगर दो जा रहे हैं, एक रास्ते में अगर मुश्किल आ रही है तो दूसरा रास्ता आप उसे चूज कर सकते हो, ठीक है? अपने कोई भी आपको मुश्किल आ रही है आपके किसी भी चीज में, आपके गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, तो आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ना कि डिसीजन को आप चेंज करें, ठीक है? सो एक अच्छी सी स्माइल दे दो, फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं और पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ जी, ओनली 4 स्टूडेंट्स। लोमन, ललिता, रविंद्र, वंदना जी, ठीक है? ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं, फटाफट समझ लेते हैं क्लास को।
आज कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, अपना फटाफट समझो ठीक है, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं, आज सिर्फ सुनने का है, सुनू अपना थोड़ा बहुत, और जिसने थोड़ा बहुत ऑलिगोपॉली या मोनोपॉली पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओलिगोपॉली मॉडल हमने कल पढ़ लिया था, आपको पता है ओलिगोपॉली में क्या बात होती है, सब फॉर्म्स अपनी अपनी अलग अलग प्राइजेस को अपने आप डिटरमाइन करते हैं, अलग होते हैं, दो से ज्यादा उसके अंदर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? और आठ, टू और एट के अराउंड, मतलब बिटवीन, इन दोनों के बीच में होता है ओलिगोपॉली का। सो आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ओलिगोपॉली मॉडल में आप देखते हैं, द राइवल मे डिसाइड टू गो ऑपरेटर, द मे फाइट ईच अदर इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। क्या करते हैं, वे अपने बाजार की हिस्सेदार बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ सकते हैं। कौन कौन? ओलिगोपॉली मार्केट में एक दूसरे से क्या हो सकता है, फाइट कर सकते हैं ओलिगोपॉली में, ठीक है? इसके आधार पर ओलिगोपॉली के तहत मूल्य और आउटपुट निर्धारण के दो मॉडल हैं, दो मॉडल हैं ओलिगोपॉली के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। सॉरी, ये हो गया पहले नॉन कोल्यूसिव, फिर है आपका कोल्यूसिव, ठीक है? नॉन कोलूसिव मॉडल क्या होता है, वह स्थिति जब फर्म एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और अपनी प्रतिद्वंदी फर्मों को स्वतंत्र अपनी कीमत और मात्रा आउटपुट पूर्ति का करने का पालन कर देती है। मतलब ये समझ लो, नॉन कोलूसिव में ये बताते हैं कि वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, मतलब ये मतलब अगर एक फर्म है उसने कोई प्राइस रखा है तो दूसरा उससे फाइट करेगा, मतलब मिलजुल के नहीं रह सकते भाई वो, मतलब एक दूसरे से एक साथ नहीं रह सकते, हिस्सेदारी नहीं कर सकते, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो उनको क्या करना है, लड़ाई करनी है, उस पर प्रतिस्पर्धा करना है। तो इस फर्म में क्या मतलब, एवरी फर्म ट्राइज टू इंक्रीज इट मार्केट शेयर थ्रू कॉम्पिटिशन। तो ये क्या करते हैं, अपने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। व्हेन गुड अगर प्रोड्यूस करते हैं, व्हाई डिफरेंट ओलिगोपॉलीज आर मोर और लेस सिमिलर प्रोडक्ट होमोजीनियस, ठीक है? जब विभिन्न ओलिगोपॉलीज आते हैं इसके अंदर, तो उत्पादित सामान कम या ज्यादा सामान उससे जाती होते हैं। अब मान लो कोई सामान है तो वो कम बढ़ भी तो बढ़ सकता है, तो उसमें क्या है, बट ये इसी सिचुएशन में वर्क करेंगे, आपको ये कॉम्पिटिशन करेंगे आपका, मतलब अगर ये नहीं है, जैसे अगर सिमिलैरिटी से ये लोग रहे कोल्यूसिव, मतलब आगे आगे आप पढ़ेंगे कोल्यूसिव, कोल्यूसिव के अंदर वो लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है? एक साथ कॉमन अपना प्राइजेस वो एक तय कर लेते हैं कि तुम इतने प्राइजेस में इतना काम कर लो, हम इतने प्राइजेस में इतना काम कर लेंगे, हमारी मार्केटिंग इतने अच्छे से चलेगी। बट इसमें क्या होता है, ये लोग इस चीज में नहीं मानते हैं, इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? इसके अंदर मतलब खुद का प्राइस अपने अपने अकॉर्डिंग करने, इंटरडिपेंडेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है? क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। तो ये खुद का प्राइस खुद डिटरमाइन करते हैं इसमें, कि हम ही अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? हाँ, अब क्या है, एक समान मूल्य तय करती है प्रवृत्ति, एक फर्म आमतौर पर चल रही कीमत को स्वीकार करती है, मतलब जो अगर चल रहा है ना प्राइस, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है? नॉन कोलूसिव की बात हो रही है, क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी, ये नहीं उसको रिजेक्ट नहीं कर देगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। जब माल अलग होते हैं तो वे एकाधिकार प्रभाव के कारण अपनी कीमत और उत्पादन तय करते हैं। अब जब देखो, कार वाला अलग है, मोबाइल वाला अलग है, तो वो अपने तरीके से अपनी चीजों पर क्या करता है, अगर इसमें मोनोपोली इफेक्ट अगर डाल दिया जाए, आपको पता है मोनोपोली में क्या होता है, बायर्स बहुत सारे होते हैं, पर सेलर्स इतने नहीं होते। पर्टिकुलर गाड़ी ले लो, गाड़ी के कितने सेलर है, नहीं है ना, बहुत कम है, बट खरीदने वाले उसको कितने ज्यादा है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पे मोनोपोली इफेक्ट डाल दिया जाए, तो यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी चीजों के हिसाब से क्या करते हैं, सब अपनी कीमतों का पैसा लगाते हैं, अपने ही सामान के अकॉर्डिंग, जैसा जिसका सामान है, जैसा जितना बिकना है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये लोग अपना प्राइस फिक्स करते हैं। पॉलिसी मार्केट में क्या होता है, पॉलिसी में ये सब क्या होता है, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है? मिलजुल का कहते हैं मिली भगत को, ये ना कोल्यूसिव मीन प्लेइंग टुगेदर, एक साथ मिलके काम करते हैं। मिली भगत का मतलब है एक साथ खेलना, मतलब मार्केट में एक साथ ही काम करेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां कंपनियां मूल्य और उत्पादन निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के साथ सहयोग करती है। मतलब उसमें क्या था, नॉन कोल्यूसिव में क्या था, कि आपको क्या करना है, ये क्या करेगी आपके साथ कॉम्पिटिशन करेगी, बट कोल्यूसिव में कॉम्पिटिशन नहीं करती है। इसमें क्या करती है, मूल्य भी और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से पूछकर निर्धारित करती है, ठीक है? इसमें क्या है, सिचुएशन वेयर फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर रेदर देन कम्पीट इन सेटिंग प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है? इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें एक साथ प्राइस को सेट करती हैं एक साथ बैठ के, ये नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है, अगर आप जिस प्राइस पे बेच रहे हो तो मैं भी देखूंगी, अरे मैं इससे ज्यादा हाई प्राइस पे बेचूंगी या लो पे बेचूंगी, तो उसको भी नुकसान, मतलब ये सबको लेके चलते हैं इसके अंदर। पॉलिसी मीन्स सबको लेके चलना एक साथ साझेदारी से। सो अग्रीमेंट मे बी एंटर टू कॉपरेट रिगार्डिंग प्राइसेस आउटपुट मार्केट। अब इसमें एग्रीमेंट वगैरह देखते हो आप, जैसे अग्रीमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है? आप इतने में बेच दो, आप इतने में तो इसमें अग्रीमेंट भी चलता है, मूल्य उत्पादन बाजार हिस्सेदारी आदि के संबंध में सहयोग करने के लिए समझौता किया जाता है।
इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। जैसे दूसरा अगर उतने में बेच रहा है तो मैं समझौता करके इतने में अग्रीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, ओके, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्ट एंड ट्रेनिंग हो जाता है ना इसके अंदर कॉम्पिटिशन इन कीपिंग देयर बार्गेनिंग पोजिशन स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द वायर, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को रोकने और खरीदार के खिलाफ अपने सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत रखने के उद्देश्य के। इसमें क्या करता है, अगर ये रोकने और खरीदार के खिलाफ कुछ सौदेबाजी करनी होती है तो इसमें ये डिसीजन अपने स्ट्रॉन्ग लेते हैं, मतलब एक साथ लेते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई मनाही नहीं है, बार्गेनिंग करने में कोई भी मनाही नहीं है, ये लोग आपस में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोलुसिव और नॉन कोलुसिव समझ में आ गया, कोलुसिव और नॉन कोलुसिव समझ में आ गया, जल्दी बताओ, कोलुसिव और नॉन कोलुसिव समझ में आ गया। कुछ नहीं, ओलिगोपॉली के अंदर ये सब पता नहीं कि ये कोलुसिव क्या है, नॉन कोलुसिव क्या है। उसके बाद अभी आपको नोट का मॉडल समझेंगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत बातें, बस यही बताया हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक में ऐसे आप काम करते थे, ओलिगोपॉली में ऐसे आप काम करते थे, तो इन सबके इस पे मॉडल्स पे क्या फर्क पड़ा है, बस यही है। कुन्नोट मॉडल इंपॉर्टेंट है, वर्ड रेट का मॉडल इंपॉर्टेंट है, एजवर्ड का मॉडल इंपॉर्टेंट है, किंग डिमांड का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज हम आज की पीडीएफ में पढ़ लेंगे, ठीक है, और साथ में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी किंग डिमांड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो मैं बना के समझा दूंगी कि कैसे बनता है क्या बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कुन्नोट मॉडल, जो कि 1838 में आया था, कब आया था, 1838 में, बाय ऑगस्टीन कुन्नोट ने दिया था, ठीक है। कुन्नोट मॉडल का जो कुन्नोट मॉडल है किसने दिया था, ऑगस्टीन कुन्नोट ने ही दिया था, ठीक है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर टू फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, टू फॉर्म्स, ए एंड बी, आप दो फॉर्म्स ले लो ए एंड बी, तो फॉर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड, मैंने आपको समझाया था होमोजीनियस गुड क्या होता है, एक जैसे उत्पाद, फॉर्म सजातीय वस्तुओं का उत्पादन करती है एक जैसे वस्तुओं का, ठीक है। फॉर्म जैसे मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी बताया था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बताया था कितना कॉम्पिटिशन होता है उसमें आपस में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। फॉर्म्स अज्यूम दैट अदर फॉर्म्स विल कीप देयर आउटपुट कॉन्स्टेंट, अब ये क्या सोचता है, ए और बी है जैसे दो फॉर्म्स हो गई, या आपस में क्या सोचेगा कि दूसरा मतलब अगर वो इतना काम कर रहा है, इतना आउटपुट निकाल रहा है, तो दूसरा वो सोचेगा मैं इतना आउटपुट निकाल रहा हूँ तो दूसरा इतना कॉन्स्टेंट रखेगा उस चीज को, ये ऐसा मान के चलते हैं दो कंपनियां आपस में सोचती है, अगर मैं इतना आउटपुट निकाल रही हूँ तो निकाल रहा हूँ तो दूसरा इसको क्या है, कॉन्स्टेंट मानेगा, बट ऐसा नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपना आउटपुट निकाल रहा होता है, वो अपना आउटपुट निकाल रहा होता है, ठीक है। तो एमसीयू प्रोड्यूसिंग अ गुड इज जीरो, एक वस्तु के उत्पादन का एमसी शून्य होता है, मतलब आपको नहीं पता ना वो कितना मार्जिन कॉस्ट है आपका, उसका नहीं पता आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे दो फॉर्म्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक वस्तु का उत्पादन का एमसी शून्य इसलिए होगा क्योंकि आप वहाँ पे चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई एमसी इज जीरो, आपको नहीं पता है कितना, और आपको पता है एमसी जीरो कब होता है, आपको पता है नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है, मुझे अगेन रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे की नॉलेज सारी आज काम आएगी, ठीक है, अगर समझोगे ठीक से तो, कोई मॉडल्स में ये टफ नहीं है। कंपनियां एक साथ निर्णय लेती है, इसमें क्या है, जैसे आप उसमें बताया था एक साथ कॉलिसी वाले में सेम यही आ जाता है, कंपनियां क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली टेक द डिसीजन, द फर्म साइमल्टेनियसली टेक द डिसीजन, एक साथ क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर देख सकते हो जैसे आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो अदर फर्म इज इतना करती है तो रिमाइंडर एट द एंड ऑफ फर्म प्रोड्यूस इतना करेगी, समझ गए, एक तिहाई कर रही है एक फर्म तो एक ये वन हाफ कर रही है, मतलब हाफ का भी वन का हाफ कर रही है, ठीक है, एंड ये वन थर्ड कर रही है उत्पादन करते हैं ये लोग, मतलब दोनों फर्म इतना इतना उत्पादन कर रही है, ठीक है। तो कुन्नोट मूल्य सबसे लाभदायक मूल्य इतना होता है सेकेंड थर्ड का, कुन्नोट आउटपुट अधिकतम आउटपुट या पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धी आउटपुट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनियां आपस में इतना इतना प्रॉफिटेबल प्राइस पे इतना इतना टू थर्ड प्राइस पे प्रॉफिटेबल कमाती हैं, ठीक है, वन थर्ड पे उत्पादन कर रही है एंड देन इसमें कुन्नोट मॉडल में बताया सेकंड थर्ड में प्रॉफिटेबल प्राइस आता है, ठीक है, तो वो क्या करती है फिर सेकंड थर्ड वाले पे ही मैक्सिमम आउटपुट क्या करती है निकालती है, परफेक्टली कॉम्पिटिशन में पता है आपको, परफेक्टली कॉम्पिटिशन में पता है आपको, समझाया तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, आपस में कंपनियां काम कर रही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से किसी से कोई फर्क नहीं होता, सबका अपना अपना प्राइस सेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड मॉडल में, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड मॉडल की, ठीक है। 1883 में आया था, अदर फर्म विल कीप द प्राइस कॉन्स्टेंट, मतलब अन्य फर्म कीमत स्थिर रखेगी,
एक क्या करेगी इसके अंदर, एक एक कीमत क्या करेगी, स्थिर रखेगी। अब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये डायग्राम बना लो, ये बी शेप में डायग्राम बना लो, इसके बीच में लाइन क्लिक कर ली, इसको ए लिख दो, इसको यहाँ बी लिख दो। अब जैसे मान लो एक फर्म ने प्राइस कम किया, ठीक है, तो दूसरा भी उसको देख के कम कर लेगा। एक ने अगर ज्यादा किया उसको देख के, सॉरी इसमें ज्यादा किया इसने कम कर दिया, इसने ज्यादा किया इसने भी ज्यादा कर लिया, इसने भी कम किया तो इसने भी कम कर दिया। ठीक है, मतलब एक दूसरे के देखा देखी करेंगे कि अगर उसका प्राइस वो कम कर रहा है मार्केट में, तो वो ये सोचेगा अरे मैं भी प्राइस कम कर देता हूँ, क्या पता अगर मैंने प्राइस अपना ज्यादा रखा तो दूसरी वाली कंपनी क्या करेगी, उसके पास ज्यादा लोग खरीदने आएंगे, परचेस करने आएंगे सामान, और मेरे पास कोई सामान नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखा दुनिया एक तरीके से हो जाती है कि एक अगर कम कर रहा है प्राइस को, तो दूसरा क्या करेगा, उसको भी कम कर देगा। ठीक है, अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, इसमें अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना होता है वो अनलिमिटेड होता है। असीमित उत्पादक क्षमता, इसमें सीमित नहीं होता है, मतलब आप कितनी भी प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, इसमें अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्टिविटी है। उसके अंदर आगे आगे आप पढ़ेंगे एजवर्ड वाले में, उसके अंदर आपने पढ़ेंगे उसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, इसके अंदर अनलिमिटेड, आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिव, आप देखो आपके पास अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, किसी भी चीज का ले लो, शूज का ले लो, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, अगर अनदर कंपनी में क्या किया, उसका प्राइस कम कर दिया, और बहुत सारा प्रोडक्शन है शूज का, तो सेकेंड फर्म क्या करेगी, वो भी कम कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी की तो कमी है नहीं कि मेरे पास सामान कम है या माल कम है मेरे पास, तो मतलब माल कम है, अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो मेरा मेरा तो इतने में ही बिक जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, खाली बैठ रहूँगा? नहीं, उनका प्रोडक्शन है, सामान है ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया, जिस वजह से सामान ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बिक सके, सेल हो सके, है ना। तो इसके अंदर असीमित उत्पादन क्षमता है, असीमित कर सकते हो आप, और कीमत को कम करके अंडरकटिंग कर सकते हो इसके अंदर, और फर्म में पूरे आउटपुट पर कब्जा कर लेती, क्या कर लेती है, पूरे आउटपुट पर कब्जा कर लेता, फर्म कैन कैप्चर द एंटायर आउटपुट, जितना भी आउटपुट आ रहा है उस पर क्या करती है, फर्म में क्या करती है, कब्जा कर लेती है, अंडर कटिंग द प्राइस, अब कम कर दिया, यहाँ पे वही बात बताई, अब कम करके क्या करेंगी, जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है मेरी, मैं क्या करूंगी, इसमें ज्यादा सामान बेचना कम कर दूंगी, कम प्राइस में ज्यादा सामान, फिर डिमांड ज्यादा होगी, आपको पता है अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कंक्लूडिंग रिजल्ट, प्राइस इक्वल टू एसी, अब इसके अंदर ये बता रहा है कि आपका मूल्य एसी के बराबर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, एसी कितना आ रहा है, कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी, उसके कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। दो फर्मों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन पूरी तरीके से आउटपुट है, मतलब दो फर्म्स हैं, ठीक है, वो परफेक्टली आउटपुट दे रही है, मतलब अच्छे से अपना आउटपुट दे रही है, तो टू फर्म्स जब परफेक्टली आउटपुट दे रही है तो वो टोटल प्रोड्यूस भी तो कर रही है, तभी तो दोनों फर्म आपस में आउटपुट अच्छा देंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन वहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी की तो बात करी ही नहीं गई, अनलिमिटेड की बात करी गई, इसलिए वो आउटपुट भी पूरी तरीके से अच्छा ही देंगी, परफेक्टली आउटपुट। ठीक है, बट ट्रेड ऑफ ऑननेट मॉडल आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताओ समझ में आ गया, जल्दी बताओ, बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ, कल क्लास होगी, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, कल क्लास होगी, याद रखना संडे को, ठीक है, कल सब आओगे क्लास में, फिर मैं रखूंगी, फिर नहीं आओ फिर मैं नहीं रखूंगी क्लास, हो सकता है मैं कल आपकी दोनों क्लास ले लूँ एक बार के लिए, 8 बजे वाली भी ले लूँ और फिर 10 बजे वाली भी क्लास ले लूँ, आओगे कल क्लास में फिर सब, जल्दी बताओ, दस बजे वाली रख लूँ फिर क्लास कल, 8 बजे वाली ना रख के बताओ जल्दी, 8 बजे रखूँ 10 बजे रखूँ, आप लोग बता दो, क्योंकि संडे है आपका, ये देखो आपको फिर दिक्कत ना हो कि मतलब कहीं आपको कोई काम वाम हो तो ये ना हो, फिर 10 बजे रख लूँ 8 बजे ना रख के, या 8 बजे ओके हो, जल्दी बता दो सब फिर फटाफट टाइमिंग, टेन पी एम ठीक है, बाकी सब बाकी सब बताओ भाई, 8 PM, अच्छा, और बाकी अगर 8 बजे रखी तो 10 बजे भी क्लास रखूंगी फिर मैं,
जहां तक है, क्योंकि मैं सोचू संडे। वरना जी एक्चुअली दिन में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत आपको पता ही संडे होता है, तो फिर थोड़ा सा इधर उधर और भी बहुत काम होते हैं, और आप भी अपने काम निपटा लेना, कहीं घूम आना, अपना माइंड फ्रेश कर लेना बच्चों के साथ, है ना। दिन में क्लास होगी तो आप भी बंधे हुए रहोगे और भी सब बंधे हो रहेंगे। इवनिंग टाइम बेस्ट है, अपना सब काम घूम घाम के, अपना खाना पीना सब एक जगह बैठ जाओ, अपना नोट डाउन करते रहो जो मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं भी करते रहे तो सुनते रहे, वो भी बेस्ट है ना। और जहां तक है गेम थ्योरी लेके आऊंगी, गेम थ्योरी खत्म करवा देंगे। गेम थ्योरी आप लोगों ने पहले गेम थ्योरी पढ़ी है, प्रिज्मा डिलेमा वगैरह ये सब पढ़ा है पहले गेम थ्योरी? चलिए फिर बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजवर्ड मॉडल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वही आ गया, इसके अंदर क्या है, एजवर्ड मॉडल 1897 में दिया था। फर्म्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी, फर्मों के पास क्या है, सीमित क्षमता है। वी डोंट नॉट गेट एनी डिटर्मिनेशन सॉल्यूशन, के पास कोई एक डिटरमाइंड दृढ़ एक समाधान नहीं मिलता है। बोथ फर्म शेयर द मार्केट इक्वली, दोनों कंपनियां क्या करती है आपस में साझा कर ले, मतलब अगर इतना इतना है उनके पास आउटपुट तो इतना इतना दोनों सेम लेके साझा कर लेती है। बोथ फर्म शेयर द मार्केट इक्वली, फर्म्स अंडरकट द प्राइस एंड रीच परफेक्टली कॉम्पिटिशन प्राइस, लेटर द फर्म स्टार्ट इंक्रीज इन द प्राइस एंड रीच मोनोपोली प्राइस, एज अ रिजल्ट द प्राइस कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन कंपनी एंड परफेक्टली कॉम्पिटिशन। अब मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। अब जैसे मान लो अभी हमने बर्ड ट्रेड वाले मॉडल में पढ़ा था, ऐसे वाला पढ़ा था, सॉरी बटरेट वाले मॉडल में पढ़ा था किसने, कि वो क्या करता है, ये प्राइस कम करता है तो ये भी प्राइस कम कर रहा है, ये और प्राइस कम कर रहा है तो प्राइस कम कर रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी के पास अगर 100, मान लो उसके पास 200 यूनिट है उसके पास, और दूसरी के पास 400 यूनिट है, ठीक है। बट इसने क्या किया, अपने प्राइस को कम कर दिया, ठीक है, इसने अपने प्राइस को कम कर दिया क्योंकि इसके पास 400 यूनिट है। पर इसको देख, हम देख, ये 200 यूनिट वाली कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, प्राइस को कम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 400 है, मेरे पास तो 200 है ना, मेरे पास 200 है, तो भाई इसके पास अगर मान लो मैंने प्राइस कम कर दिया, ठीक है, अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो मेरा तो सामान फटाफट बिक जाएगा, मैं तो लॉस में रही ना, मैं कैसे प्रॉफिट में रही, प्रॉफिट में तो ये रहा कि 400 है इसके बाद, अगर इसने प्राइस कम किया तो उसको तो डबल मिल रहा है, और मैं 200 यूनिट तो मैं अपने उतने ही प्राइस में रहूंगी। एजवर्ड मॉडल यही बताता है आपको, मैं उतने ही प्राइस में रहूंगी अपने, कितने, उतने ही प्राइस में रहूंगी जितने प्राइस में मैं बेच रही हूँ, मैं किसी को, किसी दूसरी कंपनी को देख के मैं अपने प्राइस को कम नहीं करूंगी, मेरा प्राइस उतना ही रहेगा जितना मैं चाहूंगी, जितने पे मेरे 200 यूनिट बिक सके, मैं दूसरे को देख के प्राइस कम बढ़ नहीं करूंगी। इसमें ये बताया गया है, क्यों, क्योंकि मेरे को लॉस होगा ना, दूसरे को फायदा हो रहा है, मेरे को तो लॉस हो रहा है, वो तो अपने उतने में ही यूनिट में भेज देगा। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी है मेरे पास, यहाँ पे मैं अनलिमिटेड नहीं है कि अनलिमिटेड है मैं और बना लूँ और प्रोडक्शन कर लूँ, मेरे पास थोड़ा ही सामान है, उस थोड़े सामान में मुझे कैसे अपना फायदा करना है, कैसे अपना चीजों को देखना है, ये मेरे ऊपर है। अब जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आपको पता है दूर दूर तक अलग हिसाब किताब है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारी चीजें क्या होती है, होमोजीनियस होती है। मोनोपोली के अंदर आपने देखा होगा सब अपना 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 क्या करता है, मोनोपोली अपना एक प्रतिनिधित्व रखता है, एक अधिकार अपना ही रखता है वो, मतलब वो वायर्स उसके बहुत सारे होंगे बट वो क्या करेगा, वो अकेला एक विक्रेता होता है मार्केट में, तो वो अपनी चलाता है। ऐसे यहाँ पे भी यही करेगा, वो 200 यूनिट है वो अपनी चलाएगा भाई, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट वे में मैंने आपको समझा दिया ये मॉडल, समझाने को तो बहुत बड़े बड़े हैं, उसका कोई काम लेना देना नहीं है, इतना यूनिट समझनी है बस, यही समझना है ये सब चीजें है क्या, ठीक है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि ये सब मॉडल है क्या, ठीक है। अब आ जाते कार्टेल, कार्टेल क्या होता है, कार्टेल का अर्थ है अलग अलग कंपनियों का एक समूह होता है, ठीक है, जो कीमतें तय करके और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा ना करके लाभ बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं, समझिए कार्टेल का मतलब हो गया एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब एक कार्टेल बना लिया उन्होंने, एक समूह बना लिया, जिससे क्या करते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर, जैसे पॉलिसी में पढ़ा था ऐसे उसी में आ गया। अ कार्टेल मींस अ ग्रुप ऑफ सेपरेट कंपनीज दैट अग्री टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय फिक्सिंग प्राइसिंग एंड नॉट
कॉम्पिटिटिव बीच चला, मतलब एक दूसरे का कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं लोग। अ कार्टेल इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग फर्म ऑन सब्जेक्ट्स लाइक प्राइजेस, आउट टू मार्केट शेयरिंग एक्सेट्रा। कार्टेल कीमत उत्पादन बाजार साझाकरण आदि जैसे विषयों पर फर्मों के एक बीच समझौता है, मतलब आपस में कैसे वो लाभ कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से कंपनियां सहमत हो रही हैं, कैसे कीमतें तय कर रही हैं, सब क्या बताता है कार्टेल में पता चलता है आपको। किसमें पता चलता है? कार्टेल में। कार्टेल में ये सब प्राइजेस वगैरह एग्रीमेंट वगैरह ये सब क्या करते हैं आपस में करते हैं कि कैसे हमें कैसे मार्केट में आगे काम करना है, आप ऐसे प्रॉफिट कमा रहे हो तो मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊं, तो ये आपस में समूह में एक बातचीत होती है। ठीक है, कार्टेल दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कार्टेल होता है आपका केंद्रीकृत कार्टेल, ठीक है, कार्टेल्स आर टू टाइप्स, एंड मार्केट शेयरिंग कार्टेल मतलब बाजार साझाकरण कार्टेल। पहला क्या है सेंट्रलाइज्ड कार्टेल्स, क्या है मतलब इसके अंदर आप देख सकते हो कंपनियां सभी अपने अधिकारों के केंद्रीय प्राधिकरण को सौंप देती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक उसको सौंप दिया आपने जो मूल्य डिटरमाइन करेगा और मार्केटिंग कोटा को आदि निर्धारित करता है, मतलब जो हमारा मार्केटिंग का अभी एक्चुअल में प्राइस चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो अपने प्राइस को डिटरमाइन करेगा, आउटपुट को देखेगा। अब फर्म सरेंडर कर देती है, सेंट्रलाइज कार्टेल में क्या करती है फर्म अपने आप को सरेंडर कर देती है ऑल देयर राइट्स टू अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसको क्या करेगी उसको दे देती है कि भाई तुम देख लो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन कर दो, जो आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग कोटा वगैरह तय कर दो, ये सबको निर्धारित करती है। कौन कौन करता है? सेंट्रलाइज कार्टेल में। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी एड ऑन होती है। क्या होती है? केंद्रीय प्राधिकरण क्या होता है इसमें एड ऑन होता है, जो कंपनियां क्या करती है अपने अधिकारों को उन पे सौंप देती है कि आप अपने अकॉर्डिंग मूल्य निर्धारित कर दो, जो कि प्राइस डिटरमाइन आउटपुट मार्केटिंग क्वोटा एक्सेट्रा ये सब क्या करती है निर्धारित करती है। तो मार्केट शेयरिंग में देखा जाता है फर्म अग्रीज टू सी एट अ कॉमन प्राइस, मार्केट शेयरिंग बाय नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, मतलब समझ गए गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा द्वारा बाजार अक्सर मतलब जो मूल्य नहीं भी है उसके अकॉर्डिंग भी अपने अपने प्राइस को सेट कर लेती है। फर्म्स अग्री टू सेल एट अ कॉमन प्राइस, मतलब फर्म एक सामान्य मूल्य पर बेचने के लिए सहमत हो जाती है, मतलब ये नहीं है जरूरी कि वो दूसरा अगर उतने प्राइस में बेच रहा है तो मैं भी उतने में बेचूं, नहीं, फर्म अपना देख लेती कि मैं कितने में बेचूंगा कितने में अपना काम करूंगा। Members are free to produce and sell the quantity at which they can maximize their profit. जैसे हमने perfect competition में पढ़ा था उसमें free होते हैं, entry भी कर सकते हो exit भी कर सकते हो, उसमें था homogeneous product था, उसमें कोई barrier नहीं था, उसमें no transport cost थी, ये सब था ना उसमें। तो market sharing cartel ये बताते हैं market के जरिए चल रहा है, sharing कर रहा है वो सब चीजों को क्या कर रहा है शेयरिंग कर रहा है, और क्या करता है इसके अंदर उन सदस्यों को मात्राओं को उत्पादन करता है जैसे कि वो स्वतंत्र है, वो क्या करता है अपने हिसाब से प्रोड्यूस करता है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, कितने प्राइस में वो आउटपुट निकालेगा, कितने में वो सेल करेगा, वो क्या करता है अपने अकॉर्डिंग देखता है कि मैं मार्केट को कैसे चलाऊं, मैं कैसे करूं भाई मार्केट को, तुम बताओ मुझे मैं कैसे मार्केट को चलाऊं, तो वो बोलता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है कल हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है कल पढ़ के क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है? फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई, क्लियर है? लोमन ललिता क्लियर है? हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आप सब में, आप यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हो, आपने सर को मैंने बोला था आप लोग अपना फीडबैक देंगे, आप लोगों ने किसने आप लोगों में से किसने फीडबैक दिया आजकल में? मैंने बोला था आजकल में आप फीडबैक देंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको जैसा लगता है जैसा आपको समझ आ रहा है, मतलब आप जो भी सर को फीडबैक देना चाहे इकोनॉमिक्स के लिए वो आपके ऊपर है ना। किस किसने दिया है फीडबैक अभी तक? रवीन फीडबैक दिया है सर को? नहीं दिया अभी तक? ओके ओके, कल मत देना, कल संडे है, मंडे को देना। ठीक है, मंडे को देना सर।
और किसी ने दिया या नहीं दिया अभी तक? अरे वो, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि सर को आप लोग फीडबैक दो। आई एम नॉट जीनियस वंदना जी, यू ऑल आर जीनियस। कभी आप लोग जीनियस हो तभी तो आपके साथ मेरा इतना अच्छा, एक कहते हैं ना, एक बाउंडिंग बाउंडिंग हो जानी है, एक अच्छी वाली बंदिश वाली चीज हो जानी है। बॉन्डिंग अलग होती है, बाउंडिंग अलग हो जाती है, क्या हम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं? नहीं सर को एक बार आप लोग अपने अपने एक अच्छे से जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे आप यहाँ लिखते हो, तो आप सर को एक बार भेजो कि हमें कैसा लगता है। देखो ये सब जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि सबको पता चलता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अपने अपने जो भी फीडबैक है आप सबको जरूर दे दीजिएगा। मंडे को देना, ठीक है? मंडे को देना, ओके? बाकी बोलना मेरा काम है, बाकी करना आप लोग की इच्छा। सो नेक्स्ट अब पढ़ने लग जाते हैं हम लोग किंग सुलेमान कर्व। अब हम क्या पढ़ेंगे? किंग डिमांड कर्व, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर किंग डिमांड कर्व में कई ऑलिगोपोली बाजार में ये देखा गया है कि कीमतें बहुत लंबे समय तक अनमय रहती है, ठीक है? इन मैनी ऑलिगोपोली मार्केट्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट प्राइसेस टेंड टू रिमेन इनफ्लेक्सिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफ्लेक्सिबल रहती है, क्या रहती है? फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इनफ्लेक्सिबल, चेंज होती रहती है, ठीक है? अब आपने ऑलिगोपोलिस में देखा होगा सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने सामान के अकॉर्डिंग अपनी कीमत लगाते हैं, ठीक है? When an oligopolist lowers the price of his product, the competition feels that if they don't follow the price cut, then their customer will leave them and buy from the firm that is offering a lower price. अब क्या करेगा? इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अब कस्टमर किसके पास जाएगा? अगर वो प्राइस को एक दूसरे से फॉलो नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा? जिसके पास कम होगा, जो कम में बेच रहा होगा, उसके पास चले जाएगा कौन? ग्राहक। तो जब एक ऑलिगोपोलिस्ट अपने उत्पाद की कीमत कम कर देता है ना, तो प्रतिस्पर्धा को लगता है कि यदि वे मूल्य कटौती का पालन नहीं करते हैं तो उनके ग्राहक उन्हें छोड़ देंगे और उस फॉर्म से खरीदेंगे जो कम। अब वही बात आ गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या सोचता है कि यहाँ पे ये सोचता है कि मान लो अगर उस फॉर्म ने प्राइस कम कर दिया, तो मैं भी प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने प्राइस नहीं कम किया तो मेरा जो ग्राहक होगा, मेरा जो कस्टमर होगा, वो उसके पास जाएगा ना, जिसके पास कम कीमत में सामान मिलेगा। ऑफकोर्स हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे? हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ पे हमें प्राइस कम मिलेगा वहीं तो जाना चाहेंगे, ना कि वहां जाना चाहेंगे जहाँ हमें प्राइस ज्यादा मिलेगा। सेम चीज मिल रही है, प्राइस कम मिल रहा है, ऑफकोर्स हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग वहीं जाएंगे ना। तो किंग डिमांड में किंग्ड होता है, क्या होता है? किंग्ड, समझ गए? जैसे हमारा जो डिमांड कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे, तो यहाँ पे ये जो किंग्ड आ जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो किंग्ड आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? किंग्ड डिमांड। जब कोई फर्म अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा देती है तो वह बिक्री में पर्याप्त कमी का अनुभव करती है, ठीक है? जैसे कि किसी फर्म ने अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा दी तो वह बिक्री में क्या करेगी? पर्याप्त कमी का अनुभव करेगी, जैसा कि उपभोक्ता अपने प्रतिस्पर्धी सामान उत्पाद खरीदेंगे। वही बात कह रहा है यहाँ पे, व्हेन अ फर्म इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो वो एक्सपीरियंस क्या करेगा कि सब्सटेंशियल रिडक्शन इन सेल्स के अंदर क्या होगा? कम होगा। एज कंज्यूमर विल बाय द सेम सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कंपिटिटर, वो और दूसरे से ले लेगा सामान, हमसे ना लेकर वही सेम प्राइस आ गया। अगर उसका मान लो ये प्राइस है, ये डिमांड होगी, अगर वो प्राइस को क्या कर देता है, प्राइस को बढ़ा देता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्राइस को कम कर देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस पे जाना चाहेगा ना कि इस पे जाना चाहेगा? इस पे जाना चाहेगा ना, प्राइस कम वाले पे। समझ में आ गया ना? प्राइस ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। यहाँ पे प्राइस कम हुई तो यहाँ पे क्या हो गई? डिमांड ज्यादा हो गई। हो गई ना डिमांड ज्यादा, तो ये इस पे जाना चाहेगा। तो ये जो डायग्राम बनता है ना, ये ऐसे जो डायग्राम बनता है, वो हमारा किंग्ड डिमांड कर्व का बनता है। कैसे बनता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको, आगे पहले पढ़ लो। इस वजह से मांग वक्र तय नहीं किया जा सकता कि मांग वक्र में विचलन या तेज मोड़ होगा कि विचलन तेज, मतलब इसके अंदर आप किंग्ड डिमांड कर्व के ये फिक्स नहीं कर पाते हो कि इलास्टिक होगा इन इलास्टिक होगा, ठीक है? अमेरिकन जो अर्थशास्त्री थे पॉल स्यूजी, ऑलिगोपोली के तहत इस मूल्य को कठोरता के पीछे के कारण समझाने के लिए किंग डिमांड कर्व की परिकल्पना की, जो कि अभी बता के हम बताते हैं कि कैसे किंग डिमांड कर्व बनता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल स्यूजी केम अप विद अ किंग डिमांड कर्व। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया था, पॉल स्यूजी उनका नेम था, उन्होंने किंग डिमांड कर्व के बारे में दिया था और रीजन बताया था कि प्राइस रिजिडिटी ऑन द ऑलिगोपोली। क्या होता है? प्राइस क्यों रिजिडिटी होती है? ये अजम्पशंस है। अजम्पशंस पढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड लेना चाहूंगी।
जिससे कि ये है क्या स्लाइड, नहीं वहां पे ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बताता है, जैसे देखो मान लो ये मेरा डायग्राम बन गया, इसमें मैंने प्राइस बनाया इतना, डिमांड बनाई मैंने इतनी। ठीक है, प्राइस मेरा इतना हो गया, क्या हो गया, प्राइस मेरा इतना हो गया, डिमांड क्या हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, अब मान लो प्राइस मेरा बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इधर कम होती है, शिफ्ट होती है, इधर आपको पता है क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। और फिर ये देखो, ये ऐसे बनेगी लाइन, ये लाइन बनाना ही मुश्किल है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये बन गई लाइन। अब जो ये लाइन तो आपने बना ली, अब इसका सेकंड देखो, ये प्राइस यहाँ था हमारा, ये डिमांड मेरा यहाँ था, डिमांड मेरा कम हो गया, ठीक है, प्राइस मेरा बढ़ गया। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगी, अब मैं दूसरा डायग्राम कैसे बनाऊंगी, ये मेरा प्राइस हो गया, मेरा डिमांड हो गया, ठीक है, मेरा प्राइस हो गया, मेरा डिमांड हो गया। अब क्या हुआ, मेरा प्राइस हो गया, मेरा प्राइस बढ़ गया मान लो, तो मेरा डिमांड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं मेरा प्राइस घट गया तो मेरी डिमांड में ये फर्क आएगा। अब देखो इसे लिख दो, प्राइस बढ़ गया और प्राइस घट गया, ये डिमांड हमारी क्या हो गई, क्या हो गई, ये डिमांड P2T1 लिख दो। ठीक है, अब देखो P2 प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड आपकी, सॉरी यहाँ D2 लिखो, यहाँ D1 लिखो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, अब यहाँ से समझना, ये प्राइस है, यहाँ पे ये डिमांड है मेरी, नॉर्मल जो प्राइस डिमांड कर लिया उसका मैंने, प्राइस बढ़ गया मेरा, कि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई इस वजह से। अब मैंने अगर प्राइस को बढ़ा, सॉरी प्राइस को मैंने कम कर दिया तो डिमांड में मेरा इतना फर्क आएगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी। तो जो ये डायग्राम बनता है ना, ये जो लाइन बनती ऐसे और फिर ऐसे, ये जो बनती है ना, ये इसको टच करके जो जाती है, ये ऐसे बनती है, ये किंग्ड डिमांड, किंग्ड आ जाता है, क्या होता है, इसमें किंग्ड आ गया। तो जो ये जो बन रहा है ना, ये क्या होता है, ये किंग्ड डिमांड होता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, इनइलास्टिक है। आपको पता नहीं है यहाँ पे कितना बेलोचदार है, ये आपको नहीं पता यहाँ पे कितना इलास्टिक हो रहा है, और यहाँ ये क्या है, इलास्टिक है, मीन्स लोचदार है, चेंज हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे चेंज हो तो रहा है, पर डिमांड में उतना चेंज नहीं होगा जितना प्राइस में चेंज होगा, तो इसलिए इसे इन इलास्टिक बोला गया है, इसलिए इसको इलास्टिक बोला गया, क्या बोला गया, इलास्टिक। प्राइस ज्यादा होने से एकदम डिमांड कम हो रही है, बट प्राइस कम होने से उतना डिमांड कम नहीं हो, उतना डिमांड ज्यादा नहीं होगा जितनी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किंग्ड डिमांड का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किंग्ड डिमांड का। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अभी की अभी, इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ कर लो, नहीं आया समझ में तो पूछ लेना, आई थिंक सो समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, बस इसको किंग्ड वाला ही समझ लेना है, पॉइंट को बस। वंदना जी समझ में आ गया, डायग्राम बना लिए सबने, डायग्राम समझ में आ गया वंदना जी, डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, पक्का पक्का समझ में आ गया सबको, ठीक है फिर आगे चलते हैं। मुझे लग रहा था टाइम लग जाएगा, आई थिंक सो 1 आवर से ज्यादा लग जाएगा, बट मुझे लग रहा है हम लोग तो अभी डिमांड का, किंग डिमांड का पढ़ लिया हमने, हो गया, हमने कॉलेज से नॉन कॉलेज से पढ़ लिया, वर्ड रेट का मॉडल पढ़ लिया, कोड नोट पढ़ लिया हमने,
और आपका एज वर्ड पढ़ लिया, ठीक है, और आपका कार्टेल पढ़ लिया, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम कल प्राइड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है, जो कि है इम्पोर्टेंट आपका, प्राइड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, और आपका गेम थ्योरी इम्पोर्टेंट है, प्रिज्मा डिलेमा वगैरह, उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। गेम थ्योरी में बच्चे गेम थ्योरी से बहुत गड़बड़ा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि गेम थ्योरी बहुत वास्ट एक टॉपिक है, बट नहीं, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी, कॉपरेटिव नॉन कॉपरेटिव गेम्स वगैरह, वही सब पढ़ना है जो हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा एकदम चैप्टर है गेम थ्योरी, बट हमें उतना ही पढ़ना है, और बाकी एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, आई थिंक सो कल और परसों में 2 दिन में फटाफट निपटा लेंगे, और अगर कल 1 घंटे की क्लास हुई तो पॉसिबल ही नहीं है कल हमारा माइक्रो कंप्लीट हो पाए, तो पर हम कोशिश करेंगे परसों अपनी, तो कल और परसों दोनों दिन स्केड्यूल पे ध्यान देते रहना। कल 8 बजे भी क्लास हो सकती है, 10 बजे तक हो सकती है, बट मैं दोनों मतलब 8 बजे या 10 बजे में से 1 घंटे की क्लास कल जरूर रखूंगी, जरूर, ठीक है, क्योंकि मुझे माइक्रो कंप्लीट करानी है आप लोगों की, और माइक्रो कंप्लीट हो गई तो मेरा हो गया, बस मुझे पता है माइक्रो कंप्लीट हो गई तो टेंशन फ्री हो, फिर उसके बाद मैक्रो पढ़ेंगे, फिर पब्लिक वगैरह में इतना कोई टेंशन लेने की, मनी बैंकिंग ये भी आराम से पढ़ लेंगे, टैक्स नॉन टैक्स ये सब कोई इतना नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका क्या कहते हैं वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग रखूंगी, जब टाइम वो दे मैं देख लूंगी। बाकी आपका स्टैट्स वगैरह हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, वो तो आप बाकी अपना, नहीं वो लोमन आप लोगों के लिए नहीं है, वो उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे फ्री क्लास लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग सेशन आएंगे, नॉट अ लाइव सेशन, लाइव नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ वो वहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, तो आप लोगों के लिए तो कोई चीज़ वहाँ पे कोई न्यू तो है नहीं, मैं तो लाइव लूंगी तो आप लोग आओगे ही वहाँ पे, अभी तो मैं लाइव लूंगी ही नहीं क्लास यूट्यूब पे, अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए जिनको यूट्यूब पे क्लासेस फ्री में मिलेगी, ठीक है। चलिए डायग्राम समझ में आ गया, अब हम पढ़ लेते हैं अजम्पशंस। ओके अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। इफ अ फर्म लोअर द प्राइस बिलो, अब देखो ये फर्म बोल रहा है लोअर द प्राइस बिलो के नीचे जब जाता है, यदि कोई फर्म मौजूदा स्तर से नीचे कीमत कम करता है ना, तो प्रतिस्पर्धा उसकी अनुसरण करेगा, क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसी की तरह चलेगा। भाई अगर दूसरे ने कीमत कम कर दी दूसरे ने कीमत, तो क्या करेगा वो, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि वो कीमत कम कर रहा है तो मैं कीमत नहीं कम करूंगी तो कैसे मेरा मेरा फायदा होगा, कैसे मेरा प्रॉफिट होगा, नहीं हो पाएगा ना। यदि कोई फर्म प्रचलित स्तर से ऊपर कीमत बढ़ाती है तो प्रतिस्पर्धा उसका अनुसरण नहीं करेगी। समझ में आया इस पॉइंट का मतलब। पहला अजम्पशन था कि पहले अजम्पशन ने ये बोला है अगर कोई कीमत कम करती है, कोई फर्म अगर कीमत कम करती है तो दूसरी फर्म भी कीमत कम करेगी उसको देखकर, बट दूसरी अजम्पशन क्या, अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी, दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी, ये अजम्पशन याद रखना, किंग डिमांड कर्व की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों अजम्पशन। ये मत कर देना कि सोचो मैम ने बताया था कि प्राइस कम होगा तो दूसरी फर्म प्राइस कम करती है, ऐसी मैम ने प्राइस ज्यादा, एक फर्म प्राइस ज्यादा करेगी तो दूसरी भी ज्यादा कर लेगी, नहीं, दूसरी नहीं करेगी, उसको नहीं मानेगी, उसको अनुसरण नहीं करेगी, यहाँ साफ लिखा है प्रतिस्पर्धी उसका अनुसरण नहीं करेगी। इफ अ फर्म इंक्रीजेज द प्राइस अबव द प्रिवलेबिंग लेवल देन द कॉम्पिटिटर्स विल नॉट फॉलो हिम, उसको फॉलो नहीं करेगा दूसरा, दूसरी फर्म क्या करेगी उसे फॉलो नहीं करेगी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, वरना जी ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, हाईलाइट करके बड़ा बड़ा लिख लेना। सो किंग डिमांड कर्व क्या, दो मौजूद इसके रीजंस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो रीजन क्या है इसके, दो कारणों से किंग डिमांड कर्व मौजूद है। प्रचलित मूल्य स्तर से ऊपर का खंड अत्यधिक लोचदार है, वो बता दिया मैंने आपको डायग्राम में, इलास्टिक बता दिया, हाईली इलास्टिक है। प्रचलित मूल्य स्तर से नीचे का खंड लोचहीन है, मतलब इन इलास्टिक है, मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। पहले पहला सेगमेंट क्या कहलाएगा, इलास्टिक, दूसरा सेगमेंट क्या कहलाएगा, इन इलास्टिक, दोनों को मिला के जो किंग आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वही क्या है, किंग डिमांड कर्व है हमारा, क्या है हमारा, किंग डिमांड कर्व है। अब मुझे बता दो किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप लोग, क्लास ओवर, सॉरी हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुके हैं, आप लोगों को समझ आ गया, अच्छे से आ गया समझ, फटाफट बता दो अच्छे से समझ आ गया।
वन्ना जी आपको समझ में आ गया? लास्ट का रिपीट यही है, उसमें दो आपको अजम्पशंस बताई हुई थी, अजम्पशंस आ गई समझ में रवीन? अजम्पशन में ये था अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, प्राइस को बढ़ा देगी, सॉरी प्राइस को कम करेगी तो दूसरा भी प्राइस को कम कर देगी। दूसरी अजम्पशन ये थी कि एक फर्म अगर प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी उसको देखकर, ठीक है। देन उसके अंदर क्या था, लोअर सेगमेंट क्या होता है आपका, इनइलास्टिक होता है, अपर सेगमेंट क्या होता है आपका, इलास्टिक होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नीचे क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, लोचहीन होता है, और ऊपर वाला सेगमेंट क्या था हमारा, इलास्टिक होता है, लोचदार होता है, ठीक है, समझ में आ गया रविंद्र? लोमन एंड ललिता आप दोनों क्या कोई मतलब रिलेटिव वगैरह हो, या मतलब मुझे ऐसा लगता है लोमन एंड ललिता ऐसा लगता है ना, मतलब लाइक सिमिलर सा नेम है, और आप मतलब क्या कहते हैं, और आप दोनों ने ही शायद इकट्ठा ही सर को जो भी क्वेरी था वो बताया था, तो मुझे तब से आपको ऐसा लगता है, मुझे आप दोनों को मतलब रिलेशन वगैरह में हो क्या, मतलब कोई आप जानकार हो एक दूसरे के या नहीं? यस आ गया फॉर्म, तो आ गया फॉर्म 29 अक्टूबर से आपका, आपका 30 सितंबर से आज से फॉर्म भरना स्टार्ट है, ठीक है, 28 अक्टूबर तक, ठीक है, 28 अक्टूबर तक आपकी डेट है एग्जाम फिल करने, फॉर्म फिल करने की, ठीक है। जनरल वालों के लिए है 1150, और आपका ये EWS OBC की 600, और थर्ड जेंडर के 325, आज ही आया है और थोड़ी देर पहले ही आया है, ठीक है। 30 से लेके 28 अक्टूबर तक, मतलब अभी से लेके 28 अक्टूबर तक आपकी एग्जाम, बहुत टाइम है अभी, भर लेना, 2-4 दिन बाद भर लेना, ठीक है। लोगों ने ललिता बताया नहीं आपने मुझे, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया है अभी, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया अभी, आपने मुझे आंसर नहीं दिया उसका। आप दोनों नोन में हो क्या? अच्छा मुझे लगा ऐसा, चलो ठीक है, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए फिर क्लास को यही एंड कर देते हैं हम लोग। फिर कल आप स्केड्यूल देख लेना, कल मैं मॉर्निंग में ही सुबह ही डाल पाऊंगी स्केड्यूल, अभी तो नहीं डालूंगी, ठीक है, या अभी डाल दूं देखती हूँ, 10 बजे रखती हूँ, कितने बजे क्लास रखती हूँ, ठीक है। हाँ जी क्लास ओवर हो गई है, ठीक है, सो गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन द सेशन, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो भाई, छोटों की रेस्पेक्ट करो, अच्छे से रहो, पढ़ो, मेहनत करो, टाइम बहुत कम है, अपनी साइड से जी जान लगा दो जितना, थोड़े बहुत कभी मैं बर वाले टेस्ट लूंगी ये नहीं पता, कल भी ले सकती हूँ, 8 बजे आके टेस्ट ले लूँ, 10 बजे क्लास ले लूँ, कुछ नहीं पता, तो दोनों टाइम अवेयर रहना और दोनों ही सेशन ज्वाइन करना अगर दोनों सेशन लूंगी मैं, समझ में आ रहा है। वेलकम रविंद एंड ललिता एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, सो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो, जितना भी पढ़ रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो क्लास को यही एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फाइनली ओके, मिलते हैं कल, कौन चला गया क्लास से, ठीक है वन्ना जी, गुड नाइट, टेक केयर, चले फिर क्लास ओवर करें, वन्ना जी कहाँ गए आप, परमिशन दे दो क्लास ओवर करने की, फिर हम जाएं। वन्ना जी ने अभी कुछ बोला नहीं है ना, कहाँ गए वन्ना जी भाई,
चलिए वंदा जी, आई थिंक सो होने तो दूर होगा। चलिए फिर गुड नाइट, बाय बाय।